बुधवार की शाम 6:30 बजे के करीब में बोरीवली के नेशनल पार्क परिसर में मनपा अधिकारी दीपक खंबित पर हुए जानलेवा हमले के खिलाफ में आज मीरा भाईंदर महानगर पालिका के अधिकारी और कर्मचारियों ने एक दिन के लिए अपना निषेध व्यक्त करते हुए काम बंद आंदोलन किया। साथ ही दीपक खंबित के हमलावरों को जल्द से जल्द गिरफ्तार करके हमले के कारण का पता लगाए, इस तरह की मांग भी मनपा के अधिकारियों ने की है मीरा भाईंदर वसई विरार पुलिस से। इस हमले के चलते आज हमने कुछ लोगों से बात की, आइए हम जानते हैं क्या उनका कहना था। श्री दीपक खंबित जी सार्वजनिक बांधकाम विभाग के कार्यकारी अभियंता है, उन पे जो भैड़ हल्ला हुआ है उनका आज हम लोग सर्व कर्मचारी और अधिकारी सब उनका निषेध करते हैं। वो भैड़ हल्ले का उन पे कार्रवाई होनी चाहिए, सख्त कार्रवाई होनी चाहिए जो हल्ला किया है उन्होंने, और उनका हम लोग सब कर्मचारी अधिकारी और पूरा मीरा भाईंदर महापालिका का स्टाफ उनका निषेध करते हैं, उनके साथ है और सब उनके साथ है। ऐसे होना नहीं चाहिए किसी भी अधिकारी पे, उनका निषेध करते हैं। हाँ, बहुत ही शॉकिंग था जब हमने सुना ये कल रात को कि इस तरीके का हादसा हुआ, और बहुत ही निंदनीय भी है। कहीं ना कहीं हम हर किसी की जान बहुत ही एक महत्वपूर्ण होती है जब हम नागरिकों के लिए काम करते हैं, चाहे वो नगर सेवक हो, चाहे वो अधिकारी हो, या चाहे प्रशासन का कोई भी आदमी हो। और इसके चलते मुझे लगता है कि सरकार ने, सभी ने, हमारे प्रशासन ने, सभी ने इस चीज़ को गंभीरता से लेना चाहिए और इसके ऊपर कोई निर्णय लेना चाहिए, और जल्द से जल्द वो जो कोई भी थे उसको पकड़ के भी देना चाहिए, और आगे ऐसा सिचुएशन ना हो इसके लिए कोई प्रोटेक्शन की भी व्यवस्था करनी चाहिए। ऑब्वियसली सर, कोई भी आज मेरे पे भी अगर कोई किसी हमला करने की कोशिश करेगा या कर देगा, ये तो कोई भी इंसान हो किसी के भी ऊपर, ये सब चीज़ तो कोई भी डरेगा ना। इंसान है आखिर में, वो कितने भी टैलेंटेड हो या कोई भी कुछ भी हो, लेकिन गोली चलना मतलब बहुत बड़ी बात है और बहुत ही गंभीरता मसले लेने वाली बात है। देखिए, हम शिवसेना परिवार तरफ से जो दीपक खंबित साहब है उनके ऊपर जो हल्ला हुआ है इसका जाहिर निषेध करते हैं, और हमारी मांग के कि दोषियों के ऊपर कड़ी से कड़ी कार्रवाई की जाए। और इसी तरह आपको मैं साबिर भाई आपके माध्यम से बताना चाहता हूँ कि अप्रैल 2021 में टेम्बा हॉस्पिटल के पास कोई ऑटो वाले ने भी एक बार वरिष्ठ खंबित साहब के ऊपर कुछ धक्का मुक्की का किया था। उसी टाइम पे हमने 29/4/2021 को आयुक्त साहब को एक पत्र दिया था कि जो जो नगर पालिका के वरिष्ठ अधिकारी है उनको सुरक्षा रक्षक दिया जाए ताकि उनकी सेफ्टी हो, और ऐसा ना हो, क्योंकि इस हादसे से कई सारे अधिकारी नगर पालिका में बहुत सारे भय में है, सदमे में जी रहे हैं। तो ये चीज़ दूर हो इसके लिए हमने सुरक्षा रक्षक की कही, और वापस हम आयुक्त साहब से निवेदन देने वाले हैं कि जो वरिष्ठ अधिकारी है उनको सुरक्षा रक्षा दिया जाए, सुरक्षा रक्षक दिया जाए और उनको सिक्योरिटी दिया जाए ताकि ऐसी घटना दोबारा न हो। लेकिन जो भी हुआ है बहुत ही निंदनीय है, ऐसी घटना दोबारा नहीं होनी चाहिए और दोषियों पर कड़क से कड़क कार्रवाई होनी चाहिए, और नगर पालिका को ऐसे वरिष्ठ अधिकारियों को सिक्योरिटी प्रोवाइड करना ही चाहिए। एज ए जाहिर तौर पर आपके माध्यम से लोगों को और महाराष्ट्र प्रशासन को इस जो कल घटना घड़ी हमारे इंजीनियर दीपक खंबित जी के ऊपर, एक दर्दनीय थी और दुखदायक थी, और मैं पूरी की पूरी निंदा करता हूँ ऐसे उपमहापौर भी, ऐसे अपने पार्टी की तरफ से भी, कि जो घटना घटी है होनी नहीं चाहिए थी। लेकिन साथ साथ में ये भी महाराष्ट्र प्रशासन से मेरा एक सवाल है कि आप देखोगे लास्ट पिछले 1.25 साल के आसपास तकरीबन ऐसी घटनाएं ज़्यादा घट रही है। आप साकीनाका की बात करो, फिर आप मानपाड़ा की बात करो, डोंबिवली की बात करो, या भाईंदर की बात करो, उत्तर की बात करो, कहीं ना कहीं महिलाओं के साथ साथ में अब अधिकारी वर्ग भी चिंतित में है। मैं तो ये कहूँगा कि अधिकारी वर्ग पर अगर ये सुरक्षा नहीं दी जाए तो अधिकारी वर्ग पूरी तरह से घबरा जाएगा और काम नहीं कर पाएगा। तो मेरे महाराष्ट्र शासन से अपील है कि इसके ऊपर पूरी जांच होनी चाहिए, खाली शब्दों में नहीं, सिर्फ कमेटी में नहीं, लेकिन हकीकत बाहर आनी चाहिए कि इसके पीछे कौन था, कौन है, और उसको कड़ी से कड़ी सजा मिलनी चाहिए, ये मेरा आरोप है। महाराष्ट्र पुलिस पूरी तरह से, मुझे ऐसा लगता है कि वो पूरी सक्षम है, लेकिन कहीं ना कहीं महाराष्ट्र शासन जो हमारी सरकार है उनके ऊपर कुछ ना कुछ ढिलाई बरती है, या पूरी तरह से ध्यान नहीं दे पा रही, या उनको छूट नहीं दे पा रहे ताकि वो पूरी तरह से खुल के काम कर सके। मीरा भाईंदर महानगर पालिकेचे कार्यकारी अभियंता दीपक खंबित साहेब हे काल ऑफिस काम करून जे घरी गेले जात होते त्यावेळेस बोरीवली नॅशनल पार्कच्या तिथे या हल्लेखोरांनी जे भ्याड कृत्य केलेलं आहे, जे हल्ला केलेला आहे, अतिशय निंदनीय आहे। मीरा भाईंदर महानगरपालिका आम्ही त्याच्यामध्ये जे सर्व निषेध करतो आहे, महानगरपालिकेचे कर्मचारी अधिकारी वर्ग, आज सकाळी मान्य आयुक्त महोदयांना 9 वाजता निवेदन दिलेलं आहे, तसेच आम्ही अधिकारीसुद्धा पोलीस कमिशनर दाते साहेबालासुद्धा आम्ही निवेदन दिलेलं आहे। ह्या निवेदन देऊन निवेदनात म्हणलेलं आहे की आम्ही ह्या जे हल्ला केलेला आहे त्याचा आम्ही निषेध करतो, आणि याचा निषेध करून जे कोणी हल्ला केलेला आहे ते हल्ल्यावर खरोखरांना तात्काळ त्यांना तपास करून
पकड़ाव त्यांना कठोर शासन करावं हे आमची प्रशासन विभागाची मागणी आहे. अशी मागणी आम्ही महाराष्ट्र शासनाला सुद्धा केलेली आहे. माननीय प्रधान सचिव त्यांना सुद्धा आम्ही पत्र दिलेलं आहे. आम्ही आपल्या माध्यमातून सांगतो की पोलिसांनी यांनी तपास सुरू केलेला आहे आणि लवकरच त्यांना ते त्याच्याबद्दल ॲक्शन होईल असं मला वाटते. त्या ज्या प्रकारे जो हल्ला झालेला आहे आणि आपले जे अधिकारी वर्ग आहेत ते त्यांना जागोजागी जावं लागतो, साईट व्हिजिट द्यावं लागते, तर तुमच्या अधिकाऱ्यांमध्ये काय असं भीतीचं वातावरण पसरलेलं आहेत का या हल्ल्या झाल्यानंतर? हे नक्कीच एक भीतीचं वातावरण झालेलं आहे. आज एक सगळं प्रशासनाचंच एक मनोबल खच्चीकरण झालेलं आहे. या संदर्भात आम्ही लेखी निवेदनसुद्धा केलेलं आहे CP साहेबाला आणि याच्यापुढे आम्ही ज्यावेळेस काही सार्वजनिक मोठे काही अतिक्रमण तोडायची कारवाई असेल, फेरीवाले कारवाई काय असेल, असे मागं फेरीवाले कारवाईसुद्धा ठाण्यामध्ये झालेली आहे. ते होऊ नये म्हणून अजून काय काळजी घेता येईल? हत्यारी पोलीस घेता येईल का? प्रत्येक अधिकाऱ्याला जे जबाबदारीने मोठे काम करतात त्यांना अधिकारी पुन्हा पोलीस फोर्स देता येईल का? आणि ज्या काही मोठी काही कारवाई असेल त्यावेळेस पोलिसाची मदत घेऊनच कारवाई करण्याबद्दल आम्ही एक सूचना देणार आहोत. हिरा महिंदर महापालिकेने आम्हाला जो अधिकारी सब आहे, खांबी साहेब आहे, बारपेड साहेब आहे, बाकी सब प्रभाग अधिकारी आम्हाला आहे, हे लोक धोका म्हणजे रिस्क का काम करते है. कैसा रिस्क का काम करते समय उनको पोलीस संरक्षण होना जरूरी है, लेकिन वो देते नहीं है. और वो हिसाब से ये खांबी साहब ने कौन सा काम ऐसा करते जो विकास काम करते हैं उसके अंदर कुछ तो गड़बड़ होकर कोई गोलीबार किया है, लेकिन ये गलत है. और उसका हम लोग आज भारतीय कामगार सेना उसका निषेध करती है, क्योंकि ऐसा आगे नहीं होना चाहिए. और इसीलिए हमारे कर्मचारियों को जो अधिकारी फील्ड वर्क करते वार्ड ऑफिसर फील्ड वर्क करते बांधकाम तोड़ते ऐसे टाइम में पुलिस संरक्षण होना जरूरी है. और कभी कभी तातरीने पोलीस संरक्षण मांगता है, मतलब तोड़ने का रहता है, कमिश्नर साहब बोलते हैं अगर कोर्ट का आदेश होता है तो तुरंत तोड़ना पड़ता है. उस टाइम पुलिस बंदोबस्त तुरंत नहीं मिलते क्योंकि उनके पास भी पुलिस फोर्स कम रहती है. तो ऐसे टाइम में हमारा अधिकारी को हल्ला होगा तो प्रॉब्लम हो जाता है. बांधकाम नहीं तोड़ेगा तो कोर्ट का कंटेम हो सकता है. इसलिए पुलिस बंदोबस्त हमको हर टाइम होना जरूरी है. इसलिए हमारा म्युनिसिपैलिटी का जो पुलिस है वही हमको कायम का इधर रखो. वो बार बार वो पुलिस उधर बुलाते हैं क्योंकि उनको कुछ बंदोबस्त रहते हैं. म्युनिसिपैलिटी में रहते नहीं है वो पुलिस. वो अधिकारी का शिष्टमंडल के साथ में हमारा हम यूनियन के पदाधिकारी भी थे साथ में, क्योंकि हम दोनों ने बन के वो पत्र दिया है माननीय CP साहब को. तो वो बोले कि हम लोग सब तहकीकात जल्दी से जल्दी करेंगे. हमारा शुरुआत हो गया है तहकीकात करने का. सब मुझे भाईंदर से लेके जहाँ तक घटना घड़ी और वहाँ घटना घटने के बाद उधर से वो कहाँ भाग गए वो सब चेकिंग चालू है, रात से चालू है, स्पेशल स्क्वाड लगा है, ऐसे बोले वो साहब. येथे महानगरपालिका के अधिकारी, कर्मचारी, यूनियन लीडर और हमारे शहर के नेतागण जो कहीं ना कहीं इस पूरे हमले के दोषियों को गिरफ्तार करने की मांग करते हुए दिखाई दे रहे हैं. साथ में ही मीरा भाईंदर महानगरपालिका के जो वरिष्ठ अधिकारी है, जो जगह जगह पर जाकर काम करते हैं, उन्हें अब कहीं ना कहीं डर सताया जा रहा है उनकी सुरक्षा को लेकर. इस हमले ने मीरा भाईंदर महानगरपालिका के अधिकारियों की सुरक्षा पर एक बड़ा सवाल खड़ा जरूर कर दिया है. वहीं दूसरी तरफ पुलिस सूत्रों से मिली जानकारी के अनुसार इस हमले के पीछे कौन लोग हो सकते हैं और इसका क्या कारण हो सकता है, इसका सुराग लगाने के लिए शिकायतकर्ता और पीड़ित दीपक खांबित ही मददगार साबित हो सकते हैं, ऐसा मानना है पुलिस की टीम का, जो अलग अलग तरीके से हर पहलुओं पर गौर कर रही है और इस हमले के कारण का पता लगाने में जुटी हुई है. देखना है कि इस पूरे हमले के पीछे कौन हमलावर है, उन तक पुलिस को पहुंचने में कितनी मदद करते हैं दीपक खांबित. इस पूरे मामले में जो भी नई खबर और नई जानकारी हमारे हाथ लगेगी हम आप तक ज़रूर पहुंचाएंगे. तब तक आप हमारे साथ बने रहे. कैमरामैन आरिफ कुरैशी और साबिर शेख के साथ ऑन रिकॉर्ड मीरा भाईंदर, धन्यवाद.